हेलो सेलर, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मजे में होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में। जी हां दोस्तों, इसमें एक नया अपडेट आया है और वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 30 मई 2022 से। जी हां दोस्तों, वो क्या अपडेट है तो उसके लिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जिस्टिंग सेलर हैं फ्लिपकार्ट के तो आपको ये मेल रिसीव हुआ होगा, रेगुलेटरी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, दिस एट्रीब्यूट आर मैंडेटरी फॉर ऑल योर एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, यानी कि जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है उसके लिए ये एट्रीब्यूट्स इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं 30 मई 2022 से। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एट्रीब्यूट्स में ये रहेगा मैन्युफैक्चरर एड्रेस, और उसके बाद सेकेंड आता है पैकर एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही मैंडेटरी हैं। अगर आपने अपनी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में ये सारी डिटेल अभी तक फिलअप नहीं किए पूरे एड्रेस के साथ, यानी कंप्लीट एड्रेस के साथ, तो आज ही उसे कर दीजिए। अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये आप मेल पूरा रीड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये भी है, इंपोर्टर एड्रेस। अगर आप कहीं से बाहर की कंट्री से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स और उसको सेल कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, तो वो आपको ये इंपोर्टर डिटेल भी फिलअप करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम ऐसे सेलर होते हैं जो बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो उसके लिए ये थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हो, इंडिया में उसका मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड मैंडेटरी है। तो चलिए दोस्तों, आपको नहीं पता कि कहाँ पे लिस्टिंग में अपडेट करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद लिस्टिंग में जाना है, माई लिस्टिंग पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद राइट हैंड साइड में एडिट लिस्टिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि ये साइड में डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन आ गया तो इंडिया ही रहेगा। अगर आप कहीं और से सोर्स कर रहे हो, मतलब कि इम्पोर्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे जिस कंट्री से आप इम्पोर्ट कर रहे हो वो कंट्री का नेम ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है मैन्युफैक्चर डिटेल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपकी फर्म का नेम, यानी कि आप अपनी ब्रांड नेम भी लिख सकते हो या फिर आप अपनी फर्म जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फुल एड्रेस, जो पिकअप लेने आता है ना वहाँ पे आपने जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर अपडेट करना होगा आपको। उसके बाद सेम एज इट इज आपको नीचे पैकर डिटेल में अपडेट कर देना है। अगर डिफरेंट है लोकेशन तो आप वहाँ का एड्रेस भी डाल सकते हो। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट हो जाएगा आपकी लिस्टिंग में वो दिखाई देने लगेगा विद इन 2 या 5 मिनट्स के अंदर। अगर दोस्तों ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।